रामेश्वर मंदिर। लेकिन उससे पहले थोड़ा चाय पी लेते, एनर्जी ड्रिंक टाइप। लेकिन इस बार गाइस रोड्स में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी मुझे शेगांव में जाते हो। लास्ट टाइम बहुत ही तकलीफ हो गई, मतलब एक दिन में, उस टाइम क्या होता था, एक दिन में आप शेगांव जाओगे कार से वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। औरंगाबाद में हॉल्ट आप कंपलसरी हुआ करता था, अभी जाते हुए देखो हमने एक बार में गए वन डे कर सके और कुछ लगा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा बिल्कुल, हम फ्रेश थे। आपने तो देख ही लिया ना व्लॉग में क्या क्या होता। अभी हम अभी भी कर सकते थे वन डे, लेकिन अभी आते वक्त हमारा डिसाइड हुआ था कि कुछ यहाँ के जगह कवर करनी थी हमको, जैसा कि वो घृष्णेश्वर हो गया, अभी दौलताबाद कल करेंगे तो इसलिए वेरूर है, तो अभी कल बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो करके फिर हम घर जाएंगे। हाँ। उसके लिए हमें इधर करना पड़ा है। व्हाइट फ्लावर्स क्या दिख रहे हैं देखिए गाइस। तुम इधर क्यों आई? किसने बोला? मैं तो इधर आया था इसलिए। तुम्हें भी चाहिए? चाहिए। हाँ, खाना खाने के बाद पान खाते हैं। अच्छा बना है। कैसा है रिव्यू तो? अच्छा है, अच्छा है। एक नंबर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत दिनों बाद खाना। अभी है गाइस हम दाभारा से लाइव ये शूटिंग कर रहे हैं। बहुत रेयरली होता है कि इधर इतने अंदर शूटिंग करने को मिलता है। कल सुबह सुबह गाइस दौलताबाद में जाएंगे और उसका व्लॉग करेंगे। आज पहला हमको करना है दौलताबाद। हम पहुंच गए अभी दौलताबाद, पीछे कार पार्क कर दी है, पार्किंग के लिए है इधर सुविधा। अभी इधर आते वक्त एंट्री फी है 25 रुपीज और 15 साल से नीचे के लिए, मतलब लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए। अभी ये इसकी एंट्री है गाइस, बहुत बड़ी एक तोप इधर सामने रखी है। कितने बड़े और मजबूत दरवाजे देखिए गाइस, इसीलिए इसको अभेद्य जिंग के माना जाता था। ये जो पिलर्स होते हैं गाइस, ये एक्चुअली इधर सेनापति रहा करते थे, तो वो उनका प्रतीकात्मक ये इधर किया गया कि इधर ये दरवाजा खोलने के लिए, बंद करने के लिए ये सेनापति इधर रहा करते थे। यहाँ पे क्या था गाइस, एक तो आना बहुत मुश्किल था, चढ़ाई वगैरह करना, क्योंकि ये आगे देखिए, और नीचे ही क्या किया जाता था, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स लगाए जाते थे
जो भी एनिमीज आते थे उनके लिए बहुत से ट्रैप्स लगाए जाते थे। अभी इधर कैसा होता था कि तालाब वगैरह होते थे, जहरीली वनस्पतियाँ होती थी, तो वो सब पार करके यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस वक्त। यहाँ से कैसा था, एक ही लेदर ब्रिज था सिर्फ, वही पार करके अंदर आने, वो अगर बंद किया तो एंट्री नहीं अंदर। देखिए गाइस, अभी ये है चांद मीनार, ऊपर आप देख सकते हो इसके आधा चांद बना गया है इसके ऊपर। आते ही आपको पहले यही दिखेगा। इस साइड भारत माता मंदिर है, इधर हाथियों को पानी पीने के लिए हौद था पहले। जब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इनमें हाथी पानी पीते थे। अभी ऐसे हमें जानकारी मिली है। तो ये है भारत माता मंदिर, यहाँ पे टोटल 152 खंबे है, पोल्स है बाहर से। देखिए अभी ये भी थोड़ा थोड़ा सा डैमेज तो हुआ ही है ना। ये देखिए गाइस, बंदर लोग। इतना आ गए हम, दरवाजा तोड़ने के लिए बड़ा पेड़ लाते थे पता है ना मम, तुम्हें बड़ा सा एक पेड़ ला के दरवाजे पे ठोकते थे तो टूट जाता था, तो वो टूटते ना इसलिए ये ऐसे किए जाते थे। सपोज ये भी दरवाजा तोड़ दिया ना तो लोग सीधा इधर घुसेंगे और फिर और एक ये दरवाजा, तो इसके लिए ये ऐसे लाते थे। तो ये और एक दरवाजा रहा गाइस। यहाँ तक तो चढ़ने के लिए बहुत आसान था, धुआं करके या फिर गरम तेल रास्तों में बिछा के उनपे फेंक के वैसे, उसके लिए वहां पे सैनिक बैठते थे। ऊपर से ये नजर रखने के लिए किया जाता था ताकि कोई आ रहा है शत्रु तो वो इधर से दिख सके। सीधा वो दिख रहा है जहाँ से हम आए थे, मतलब पूरे इस एरिया पे नजर रखी जा सकती है इस पॉइंट से। ये सबसे बड़ी तोप है लकड़ी, इधर लिखा हुआ है इसे चुना मना है। देखिए गाइस, ये इसी बारे में मैं बोल रहा था कि एक छोटा सा पुल है बस ये, और बीच में ये तालाब, तो सैनिकों की दृष्टि से आप देखो कैसे आप पार करोगे, बहुत मुश्किल था ये सब पार करना। ये अगर उठा लिया, अभी ये उस वक्त अलग हुआ करता था, अभी ये इधर रेलिंग वगैरह डाली है, ये अगर निकाल दिया तो खत्म, एंट्री नहीं आगे। अंदर गाइस देख रहे हो, पूरे चमगादड़ भरे हुए हैं अंदर, देखिए आ गए नीचे तक। मतलब कुछ ज्यादा टफ है नहीं गाइस, कोई भी चढ़ सकता है। अब ये चढ़ के उतर के हम एक डेढ़ घंटे में बहुत हो गया। हमें ये व्लॉग भी पसंद आया लाइक कीजिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय 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 गाइस।